हमार बेटा भोला तो सच में भोला बाना। एगो कमात खात लड़का देख के केहू मौका के फायदा उठावल तो इनसे सीखे। एक तीर से दू शिकार। पहले तो रितु के भाई के जेल करवौली, ओकरे बाद हमरा भोला भाला बेटा के फंसा के घर जमाई बना लीली। ये पूरा खेल इन्हीं के खेलल बा। काहे कि एक खेल से सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं के होई है। समदेन जी, अरे का अनाप शनाप बकतनी जी, जोन मुंह में आता बकले जातनी। सच बात तो ही बा कि रउआ कब्बो अपना बेटा के बेटा ना समझनी। बाजार में बेचे वाला सामान समझनी, जब जैसन ग्राहक मिलल वैसन दाम लगा देनी। यह बात रउआ बेटा भोला के पसंद ना आई, यही से वो अपन शादी शुदा जिंदगी बचावे खातिर एजा चले। तेमे का गलत हो गई बा? ए घर में सब एक दूसरे से मिलल बा। सब लोग एक ही थाली के चट्टा बट्टा हुआ। रितु, तू बाहरे से आई बारू, तू समझदार हो। बस एक बार तू भोला से अकेले में बात करके देखा, का सच्चाई बा सब सामने आ जाई। देखी समधन जी, हम समझ सकेनी कि राउर बेटा के फैसला से रउआ के दुख भइल बा। बाकी एकर मतलब ये नहीं खे कि रउआ हमार पतो के उकसाई, ये गलत बा। ये हमनी के घर के मामला बा, हमनी सलट लिहल जाई। बड़की समधीन जी, अभी घर हमरो बा। जहाँ हमार बेटा रही, हमार घर उहे रही ना, बताई ना। रज्जो जी, रउआ शेर बानी तो हमहू सवा शेर बानी। रउआ हमार बेटा छीनी है ना हमसे, अब हम देखाए हम रउआ से का का छीनतानी। बस देखत रहब रउआ। हमार बेटा भोला तोहके अपन पत्नी जरूर मान ले लेबा, लेकिन हम अबहिन तक तोहके अपन बहू नहीं खी मान ले। रुवा से हमरा के कुछ बात करे के हाँ, अकेले में। आइए। दीदी जी, देखनी रुआ
पतो के एक घर के खुशी रास नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया हो। पहले अपना भाई के चैताली की ओर कर दिलस, ओकरा बाद भोला बाबू के घरे ना जाके भोला चैताली के रिश्ता खराब कर। अब अकेला में जाके भोला बाबू से का बतियाओ के चाहते हैं। बाकी सब लोग के कह देते हैं कि कुछ उल्टा सीधा बकली नू भोला बाबू के सामने, तब बहुत हो गए, हम ही बर्दाश्त ना करें। मिथिलेश, अरे चुप काहे बड़ा हो, अरे अभी चुपे रह बा कि बोलबा कुछ बेटा। भोला जी सच सच बताई, रवा के सच में लगा था कि हमार पवन भैया इतना गंदा बाड़े? का सच में रवा के लगा था कि वो चेताली के धोखा देले बाड़ा, ओकरा के साथ गलत कहले बाड़ा? और अगर रवा के सब पता बा तो का रवा एक बार भी ओकरा से बात करला सही समझला? देखिए भोला जी, ऐसे चुप मत रही, कुछ तो बोली। भोला जी, जब सब कुछ साफ साफ बोले दलवन रितु जी, तो बार बार पूछला से कोनो फायदा बा? भोला जी माफ कर दें, हमरा के आप कुछ देर खातिर बाहर जा सकी ले, हमरा के रितु जी से कुछ बात करे करो। रितु जी, रितु जी संभालिए अपने आप के। हम माना था नहीं कि आपके भाई पवन से आपके बहुत लगाव है और पवन भी आपके बहुत माने लगा, लेकिन पवन तो गलत पड़ा रितु जी। पवन अपन गलती मानते रहन और आप भी ये गलती के माने कि पवन से गलती भइल बैठे। काहे खातिर झूठ मूठ के घर में कलह कर रहा है कि हम नाक से देखल और कान से सुनल बात कभी झूठ ना हो सके? कला तो ये घर के लोग कर रहे था मिथिलेश जी, हमार सीधा साधा भाई के फंसा दिलन हो। फसावलस आपके भाई के फसावलस? नागेश के हम अपने कान से खुद सुन ली फोन में बात करत। पवन के फसावे में हम राउर मदद कर ले बात। पवन निर्दोष बा, की बात बस हमरा के और आपके पता। पुलिस के सामने वो अपन जुर्म कबूल कर ले ले बा। भैया, नागेश जी के हम फोन कर ले रहनी, अबे में कोनो शक नहीं खे कि ये सब के पीछे प्रीति और नागेश के हाथ पर। अब प्रीति केकरा से बात करत रहे कि उहे जाने। रितु जी, जब प्रीति अपने मुंह से ये बात कहत रही कि हम केहू से बात नहीं कहले, तो आपके प्रीति के ऊपर भरोसा नहीं है का? अरे हम अपने कान से सुन ले बानी मिथिलेश जी, हमरा के अपन कान पे भरोसा बा और ये है सच बा। कबो कबो कान भी धोखा खा जाला रितु जी। धोखा तो रउआ हमरा के देत बाड़े मिथिलेश जी, हमार बात ना मान के रउआ हमार बात काहे मानो? हमरे और आपके बीच में रिश्ता ही का? हमनी के बिया मजबूरी में भइल बा, हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ एक मजबूरी के बिया खातिर जुड़े बानी।
हमार बिहार मजबूरी में भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं के। हमरा खातिर ये रिश्ता एगो बोझ भा, हम ई बोझ के लेके चले के बहुत कोशिश करनी मिथिलेश जी, सबके खुश रखे के बहुत कोशिश करनी, सबके साथ रखे के बहुत कोशिश करनी, सबके जोड़ के रखे के बहुत कोशिश करनी, लेकिन बदला में हमरा के का मिलत सोची। चेताली, ये कमरा कैसे जोड़ने से? बोले बाबू, ये कमरा हम सजानी है। काहे कि सही मायने में आज रुवा लोग के शादी शुदा जिंदगी शुरू होके वाला बा। सुहाग रात जिंदगी में एक के बार आवेला, यही से एकरा का यादगार तो बनाई के चाहिए। यही से हम सजाइनी है। अब रहू अपना घर में रहती तो राउर माई ऐसा सजाती, बाकी कौन बात ना, हम तो राउर माई जैसन बानी जी। ए, पकड़। असुन, अब से तोरी हपकट्टी पैनल बंद बुझाइल। अब भोला जी यही जा रहा है, वहां के जैसन पसंद हो ना वैसा कपड़ा पहनी है। चेताली, आज ये घर में ये छत के नीचे ये हमनी के पहला रात था।
रितु जी, हम जानते नहीं कि आप हमारा घर परिवार खातिर बहुत कुछ कहले बनी। हमारा बहन चैताली और भोला जी के मिलावे खातिर बहुत कोशिश कहले बनी। बदला में हमरा के का मिलल? हमार भाई के जे। रितु जी, का हमने के अपन जिंदगी के को नया शुरुआत ना कर सकनी जा? रितु जी, हमने के जोन बेमेल रिश्ता बाटे ओकरा के मौका ना देवे के चाहिए का? जेकरा साथे जिनकी मजाक कैलस वो अपन जिंदगी के एक और मौका दी। हमने की जिंदगी की नई शुरुआत बा, पर रउआ के मन में हमरा के लेके कौनो शक तो नहीं के? चेताली, जो होके के रहे हो गए, अब जिंदगी में आगे बढ़े के समय बा। पर हमार जिंदगी तब तभी शुरू हुई जब हम ही गांव से बाहर निकलब, और जब तक हम दिल्ली जाके अपन नई जिंदगी की शुरुआत ना करब, तब तक ये कमरा में भी हमारी जिंदगी की नई शुरुआत ना हो। मतलब ये सुहागरात ना हुई भोला जी। तो रितु जी, आप हमरा से क्या चाहते हैं? आप बताइए हमरा के। बस हमारे बापू जी एक बार ठीक हो जाए, हम ही घर से हमेशा खाते चल जाए। हमरा के रिश्ता से आजादी चाहिए। हमार सपना रहे कि दिल्ली जाके एगो आजाद जिंदगी जियल। जौने दिन रहुआ हमरा के दिल्ली लेके चलब, वही दिन हमरा के छोड़, और वही दिन हुई हमने के जिंदगी के नया शुरुआत। रवा भी तो रिश्ता से आजादी चाहत हो कब ना? रवा खातिर भी तो रिश्ता मजबूरी के है ना? लेकिन हमें रिश्ता से आजादी नहीं खींचा, ये रिश्ता के हम एक पवित्र रिश्ता के रूप में देखीला, ये रिश्ता के हम अपन जीवन भर निभावल चाहते। लेकिन हमरा खातिर रिश्ता के अब कोनो मतलब नहीं है, और हमरा के अब रउआ पे भरोसा भी नहीं है। मामा जी के फोन? जरूर फोन भैया के बारे में बात कर दू, बाकी हम रउआ के सामने बात काहे करी? रवा भी तो हमार पवन भैया के अपराधी समझत हुआ ना? हाँ मामा जी, प्रणाम। खुश रहा बिटिया। ये रितु बिटिया, तोरा खातिर एको बहुत बढ़िया खुशखबरी बा। अरे जीजा जी ठीक हो गई ले, वो बहुत जल्दी वापस आ रहल बाड़े। मामा जी, ये तो बहुत बड़ खुशखबरी बा। हाँ सच, हम सही कहा था नहीं? ठीक बा मामा जी, हम रुआ से बाद में बात करते हैं। खुश रहा बिटिया। अब जल्दी से बापू जी घरे आ जाए, फिर हम उनको के सब बता के ये घर से और ये रिश्ता से हमेशा खातिर मुक्ति पा जाएगी।